सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरीके से GTA 5 को 45 MB के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार जल्दी से इस वीडियो को ना लाइक करो, एंड चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आपको ये पूरी गेम मिलने वाली है 45 MB के अंदर, आपने सिर्फ इसे डाउनलोड करना है एंड एक्सट्रैक्ट करना है। तो यार जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जस्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको इस गेम की ना रिक्वायरमेंट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो इस गेम को चलाने के लिए ना आपके पास होना चाहिए कोर i3 का प्रोसेसर, 4GB रैम एंड 256 MB का कोई भी डिसेंट सा GPU होना चाहिए। इंटीग्रेटेड भी चल जाएगा, लेकिन गाइस इस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में ना आप इस गेम को ना लो से वेरी लो सेटिंग पर चला सकते हैं, मतलब मज़ा ही ले सकते हैं। तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। बाद में गाइस वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और अपनी वेबसाइट पे ना दोनों रिक्वायरमेंट्स मिनिमम एंड रिकमेंडेड अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी बता दूंगा आपको। तो लिंक आपको मिल जाएगी इस गेम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट सेक्शन में। तो बस इसी में आपको बस इस गेम को ना एक्सट्रैक्ट करना है, आपको WinRAR फाइल मिल जाएगी, आप 7zip या WinRAR से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको मैं इंस्टॉलेशन पार्ट भी बता देता हूँ इसका। आपने सिंपली फाइल को डाउनलोड करना है, आपने एंटीवायरस को ऑफ़ कर लेना है। एंटीवायरस को ऑफ़ करने के बाद भाई आपने सबसे पहले इस गेम के क्या कहते हैं इसे एक्सट्रैक्ट करना है। पासवर्ड मिल जाएगा आपको, लिंक मैं दे दूंगा पासवर्ड, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पासवर्ड मेंशन कर दूंगा, दोनों पासवर्ड जो मैं एज़ यूजुअल अपनी फाइल्स में यूज़ करता हूँ, दोनों पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। तो आपने उससे इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद भाई मेरी वेबसाइट पर मे बी क्रैक की फाइल भी आपको मिल जाएगी, क्रैक भी आप डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। फाइल एक्सट्रैक्ट होने में 30-50 मिनट लग सकते हैं आपके प्रोसेसर और आपकी SSD या SSD की स्पीड पर डिपेंड करते हुए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास GTA 5 का लॉन्चर आएगा, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पहले कोई फाइल वगैरह पड़ी है तो आप इसे अलग फोल्डर में रख सकते हैं एंड इसके बाद इसे आप रन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना।